हेलो गाइस, वेलकम टू नवर स्ट्रीम। आज के क्लास में हम एरो फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ईएसएस के अंदर अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या जो आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, उन सब में एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन मिलेगी, वो ये है कि हम कम कोड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो अपने कोड से लेते हैं। तो अब एरो फंक्शन हमारे पास क्या करता है? एरो फंक्शन में हम जो हमारा फंक्शन है उसको ट्रेडिशनल तरीके के बजाय एक फैट एरो से डिफाइन करते हैं, जिसके ज़रिए हमारा कोड जो है वो सिंपल, क्लियर और कम हो जाता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। देखिए, पहले हम क्या करते थे कि फंक्शन कीवर्ड लगाते थे, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपने आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते थे। अब एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर अपना पैरामीटर्स, उसके बाद फैट एरो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपली अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा, पहले हम ट्रेडिशनल वे से एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ग्रीटिंग, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इधर लिख देता हूँ एफ नेम, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट, मैं इधर कर देता हूँ रिटर्न, बैक टेक्स्ट में लिख देता हूँ वेलकम, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस और एफ नेम। ओके, अगर इसको मैं कॉल करूँ कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इधर कंसोल का स्क्रीन भी ओपन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट नज़र आएगा। इधर इसको मैं कॉल कर लेता हूँ ग्रीटिंग, और पैरेंथेसिस के अंदर नेम लिख देते हैं, नेम मैं कर देता हूँ जीशान, और इसको क्लोज कर लेते हैं। मैंने सेव कर लिया इसका, तो वेलकम जीशान हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ कॉन्स्ट, फंक्शन कीवर्ड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती एरो फंक्शन में, तो इधर मैं डायरेक्ट लिखूँगा ग्रीट, उसके बाद इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपना पैरामीटर, एम नेम लिख देता हूँ मैं इधर, ओके okay? उसके बाद फैट एरो, और फैट एरो के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ रिटर्न, बैक टेक्स्ट लगा के वेलकम, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस और एम नेम। इसको मैंने क्लोज कर दिया, और लाइन नंबर 12 पे आके मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ग्रीट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम नाम लिख देंगे, इधर मैं लिख देता हूँ इम्तियाज और सेमी कॉलन। इसको सेव कर लिया मैंने, तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन कोड हमारे पास कम हो गया। सिमिलरली, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इधर कॉमा लगा के मैं इधर कर देता हूँ एम एज, ओके, और इधर मैं लिख देता हूँ वेलकम एम नेम, और इधर मैं लिख देता हूँ यूअर एज एज डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस एम एज, ओके। इसको मैंने सेव कर लिया, तो यूअर एज इज अनडिफाइंड, तो मैं इधर ग्रीट के अंदर एज की वैल्यू पास कर लूँगा कॉमा लगा के, इधर इसको मैं कर देता हूँ 28। इसको सेव कर लिया, तो वेलकम इम्तियाज यूअर एज इज 28। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एरो फंक्शन के और क्या फ़ायदे हैं? हमारे पास एक फ़ायदा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा पैरामीटर मैं हटा देता हूँ इधर से, और इधर से भी डिलीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास हमारे एरो फंक्शन जो है उसके अंदर एक पैरामीटर हो, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि जो हमने पैरेंथेसिस लगाई हुई है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, और इसको मैं इधर से भी हटा देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हो हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर, तो हमें कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं होती, इसको मैंने हटा दिया है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें रिटर्न कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा फैट एरो है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन का आउटपुट जो है उसको रिटर्न करता है। तो ये सारी चीज़ें हटा के मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मैंने सेव कर लिया, तो ये हमारे पास अभी भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमने जो फंक्शन लगाया हुआ है वो 3 लाइंस में है, और इधर जो हमने एरो फंक्शन के ज़रिए फंक्शन बनाया हुआ है
वो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में इंतहाई क्लियर और सिंपल तरीके से हमने डिफाइन किया और सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इस तरीके से आप एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एरो फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, डिफ़िकल्टी है, तो कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।